वीनस को कहते हैं अर्थ ट्विंस, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। वीनस है अर्थ ट्विंस द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, सन के बाद फर्स्ट मरकरी, सेकंड है वीनस, थर्ड है अर्थ। तो अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। ऑल द प्लेनेट मूव अराउंड द सन, देखो सारे प्लेनेट ना सन के अराउंड घूम रहे हैं, इन्हें इलॉन्गेटेड पाथ उसे कहते हैं ऑर्बिट। पोल स्टार इंडिकेट करता है डायरेक्शन टू बी नॉर्थ, नॉर्थ पोल स्टार जो है जो पहले ही दिखना शुरू हो जाता है वो है पोल स्टार जो ज़्यादा चमकता है नॉर्थ डायरेक्शन में, वो इंडिकेट क्या कर देगा नॉर्थ डायरेक्शन। एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं ये पार्टिकल्स हैं। तो ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादातर कि एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। तो मार्स और जुपिटर क्या है प्लैनेट है, क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं अराउंड द सन, उसके बीच में पाए जाते हैं एस्ट्रॉयड की बेल्ट। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार जो वेरियस पैटर्न बनाते हैं वो कॉन्स्टिलेशन है। ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स उसे कहेंगे गैलेक्सी, मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ, अर्थ के नज़दीक सबसे नज़दीक मून, मून एक सेटेलाइट है अर्थ की, सेटेलाइट मून, मून अर्थ के अराउंड घूमता है। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट, प्लेनेट है सन से, ये रिपीटेड क्वेश्चन है मैचिंग में भी फुल FIB में भी। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट और लाइट, प्लैनेट की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, हीट एंड लाइट नहीं होती, क्योंकि फिर इसके अर्थ पे लाइट और हीट कहाँ से आ रही है, सन की हीट और लाइट आ रही है उस, जो इससे आने में लगते हैं लगभग 8 मिनट 20 सेकंड, अर्थ तक सन की लाइट पहुँचने में लगते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, अर्थ की अपनी हीट और लाइट नहीं है, ये सन की हीट और लाइट से काम चल रहा है यहाँ पर।